हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न खाने में बहुत स्वीट लगते हैं फ्रेंड्स। ऐसे बारिश में अगर स्वीट कॉर्न मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, सभी आप समझ पाओगे कि स्वीट कॉर्न कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, संध्या किचन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स कॉर्न। कॉर्न खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। बारिश के मौसम में अगर कॉर्न नहीं खाया तो क्या खाया। ये कॉर्न अमेरिकन मकाई भी बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। ये अमेरिकन मकाई है। ये इस तरह से सॉफ्ट होती है, दबाने से ये तुरंत दब जाती है। देख सकते हो आप, इस तरह से ये कॉर्न है। ये हमें बाजार में बारिश के टाइम पे आसानी तरीके से मिल जाता है। अब हम इसको कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है और गैस का फ्लेम मैं मीडियम रख रही हूँ। उसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था। पानी को एक उबाल आ चुका है। अब हम कॉर्न को यानी मकाई को डाल देते हैं, तोड़ के इस तरह से आधा आधा। कुकर में कुक करने से जल्दी हमारे कॉर्न कुक हो जाएंगे, हमारा गैस भी बच जाएगा और कॉर्न भी फटाफट पक जाएंगे। अब हम इसमें डालते हैं आधा छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच नमक। इतना छोटा चम्मच है देख सकते हो, क्योंकि हमें बाद में भी नमक ऐड करना है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने एक छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। अब हम इसको ढककर एक सीटी आने देते हैं, या तो 5-10 मिनट के लिए आप उबाल सकते हो। फ्लेम को मैं मीडियम रखती हूँ। 10 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, मैंने गैस को बंद कर लिया था। स्वीट कॉर्न हमारे बनकर तैयार है। वाह, देख सकते हो आप कितना प्यारा इसका अच्छा कलर भी आया है और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ उसको, स्वीट कॉर्न को। अब मैं हम इसके इस तरह से दाने निकाल लेंगे सारे। बहुत आसान तरीके से इसके दाने निकल जाएंगे फ्रेंड्स फटाफट। इस तरह से मैं सारे दाने आपको निकाल के दिखाऊंगी। अभी कॉर्न के सारे दाने मैंने यहाँ निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमें सारे दाने निकाल लेने हैं। स्वीट कॉर्न को आप इसी तरह से भी खा सकते हो, नींबू और नमक और काली मिर्च निचोड़ के। पर स्वीट कॉर्न को मैं और स्वीट बनाऊंगी फ्रेंड। जैसे हम बाहर से स्वीट कॉर्न खाते हैं उसी तरह से मैं आप यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है फ्रेंड्स गर्म करने के लिए। पैन ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा बटर। बटर में कंजूसी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, इतना बटर हमें चाहिए स्वीट कॉर्न बनाने के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं ये स्वीट कॉर्न बटर से। और भी बटर को मेल्ट होने देते हैं। फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ। बटर हमारा तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा फ्रेंड। अब हम डालते हैं स्वीट कॉर्न के सारे दाने। बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट में ये स्वीट कॉर्न हमारे बनकर तैयार होते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। नमक तो हमने ऑलरेडी पहले डाला था फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, आधा छोटा चम्मच। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, ज़्यादा तीखा नहीं होता ये, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी। यहाँ पे मैंने 7 से 8 काली मिर्च ली थी, उसको मैंने अच्छे से बारीक से कूट लिया है, पाउडर बना लिया है। देख सकते हो इस तरह से हमें काली मिर्च का पाउडर डालना है। 7 से 8 काली मिर्च है, ज़्यादा नहीं। इसमें डालते हैं एक छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। इसमें मिला लेते अच्छे से। अब हमें इसमें डालूंगी आधा नींबू। आधा नींबू हम इस तरह से निचोड़ लेंगे इसमें, क्योंकि हमने चाट मसाला भी ऐड किया है फ्रेंड्स। बस आधा नींबू इसमें काफ़ी है। मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालते हैं फ्रेश थोड़ा सा धनिया। वाव, धनिया से और भी टेस्ट बढ़ गया फ्रेंड्स इसका, और इसका कलर भी बहुत फाइन आया है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसी तरह से 2 मिनट के लिए कुक करना है इसको, ज़्यादा नहीं। सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ और 2 मिनट के लिए इसको कुक करने दूंगी। ढकेंगे नहीं फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से कुक करेंगे। स्वीट कॉर्न को मैंने 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है फ्रेंड्स। स्वीट कॉर्न हमारे तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर लेती हूँ।
अब मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। स्वीट कॉर्न को देख के ही खाने का मन हो रहा है फ्रेंड्स, अभी रहा नहीं जा रहा है। स्वीट कॉर्न को आप ऐसे बारिश में फटाफट गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, लगेगा ही नहीं आपने घर में स्वीट कॉर्न बनाया है कि बाहर से लाए हो। स्वीट कॉर्न को मैंने यह बाउल में सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। स्वीट कॉर्न हमारे खाने के लिए एकदम तैयार है। तो स्वीट कॉर्न का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही नए नए रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब बटन प्लीज जरूर से क्लिक कीजिए, जैसे मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।